नाथ जी गुरु जी को अलग आदेश, माँ भगवती को अलग आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। तंत्र, तंत्र का मतलब होता है जहां मंत्र और यंत्र साथ में चलें। सिर्फ मंत्र से आप मांत्रिक हो सकते हैं। मांत्रिक का मतलब जो कि वाइब्रेशन में अंतर ला सके, लेकिन जब आपको तंत्र चलाना है तो आपको यंत्र की भी जानकारी होनी चाहिए। पिछले कुछ दिनों में बहुत लोगों ने मुझे बोला कि कोई ऐसा मंत्र बताइए जिससे कि रोग की मुक्ति हो। तो जब मंत्र की बात होती है रोग मुक्ति के लिए, तो हर रोग के लिए एक विशेष मंत्र होता है। अगर जनरलाइज्ड मंत्र मांगिएगा तो वो उस पर एक वीडियो मैं आपके लिए बना दूंगा, लेकिन अच्छा ये होता है कि जो रोग हो उसके लिए जो मंत्र बना है उस मंत्र का जाप हो। तो हर रोग में प्रभावी क्या हो सकता है, सारे रोगों के लिए प्रभावी हो सकता है कि हम एक यंत्र बना करके रोगी को दे दें। अगर आपको तंत्र साधना करनी है तो आपके पास यंत्र के भी व्यापक जानकारी होनी चाहिए। आगे आने वाले वीडियो में मैं बहुत सारे यंत्रों के बारे में आपको बताऊंगा। बिना यंत्र के तंत्र नहीं चलता, इसीलिए यंत्र की जानकारी मंत्र के साथ आप लोग रखेंगे। तो आज जो हम मंत्र आपको और जो यंत्र आपको बताने वाले हैं वो है नवनाथ का रोग मुक्ति यंत्र। इस यंत्र को बना करके रोगी के पास रख दें या उसको पहना दें तो उसको रोग से निवारण और कष्ट से मुक्ति मिलती है। इसमें करना क्या होता है, एक सफ़ेद कागज लीजिएगा और उस सफ़ेद कागज पर जो अभी स्क्रीन पे यंत्र आ रहा है उस यंत्र को बनाएंगे। इसको बनाने के बाद उसको पूजा के स्थल पर रखेंगे और गोरक्ष प्रणाम करेंगे। गोरक्ष प्रणाम क्या है, गोरक्ष प्रणाम आपको या नवनाथ प्रणाम आपको गूगल पे मिल जाएगा। गोरक्ष प्रणाम है, ओम गुरुजी, ओमकार आदिनाथ, ओमकार स्वरूप बोलिए, उदयनाथ पार्वती धरती स्वरूप बोलिए, सत्यनाथ ब्रह्मा जी जल स्वरूप बोलिए, संतोषनाथ विष्णु जी खड़ा खड़ा तेज स्वरूप बोलिए, अचल अचंबे नाथ आकाश स्वरूप बोलिए, गज बेली गज कंदन नाथ गज हस्ती स्वरूप बोलिए, ज्ञान पार की सिद्ध चौरंगी नाथ अठारह भार वनस्पति स्वरूप बोलिए, माया रूपी दादा मच्छेन्द्र नाथ माया स्वरूप बोलिए, घंटे पिंडे नव निरंतरे संपूर्ण रक्षा करंते श्री शंभुजति गुरु गोरक्षनाथ बाल स्वरूप बोलिए, ओम श्रीनाथ जी को आदेश, 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 ओम श्रीनाथ जी को आदेश। ऐसा बोल करके इस मंत्र का कोशिश करिएगा जाप करने का। अगर आप सक्षम है तो 108 बार जाप कीजिएगा या फिर कम से कम 21 बार जाप कीजिएगा इस मंत्र का। ये गोरक्ष प्रणाम है। आप बोलिएगा अब इसमें बाकी नाथ कहाँ है, कानिफ नाथ कहाँ है, कानिफ नाथ का नाम नहीं आया। तो मैंने पहले भी बताया कि नवनाथों का 2 बार अवतरण हुआ है, तो पहली बार जो अवतरण हुआ था उसमें गजबेली गजकंदन नाथ जो थे उन्हीं का दूसरी बार जब अवतार हुआ तो वो कानिफ नाथ जी हुए, इसीलिए बोलते हैं कानिफ नाथ जी कान के हाथी के कान से आए हैं। ठीक है, तो ये जाप करके कपूर से इनकी आरती करनी है। इस यंत्र की आरती होगी कपूर से, दीपक की आरती नहीं। दीप और धूप आप अलग से जला के रख सकते हैं, और एक बार जब इसकी आरती आप कर लेंगे तो ये मंत्र, ये यंत्र जो है ये एक्टिवेट हो जाएगा। एक्टिवेट होने के बाद आप इसको फोल्ड करके और उसके बाद किसी ट्रांसपेरेंट कपड़े में इसको बनाएं, मतलब कोई बहुत ना आप इसको किसी मेटल के ताबीज़ में डालें और ना कोई बहुत ही भारी भरकम जो कपड़ा होता है उसमें डालें। ऐसा कपड़ा डालें जैसे कि मार्किन का कपड़ा होता है जो थोड़ा ट्रांसपेरेंट होता है, या फिर आपको सिल्क का कपड़ा होता है जो ट्रांसपेरेंट होता है, तो उसमें डाल करके इसको सिल दें और सिल करके इसको जो भी रोगी है उसके पास रखें। देखिए पहनाना हमेशा अच्छा नहीं होता है क्योंकि इसको हमेशा जल से आपको बचा के रखना होगा। हो सकता है ये रोगी कभी भूल जाए इसको उतारना तो फिर ये जो है यंत्र नष्ट हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि इसको बना करके जहाँ रोगी सोता है उसके बिस्तर पर टांग दिया कीजिए। इसको करने से रोग मुक्त होता है, रोग को जो रोगी को जो कष्ट है उससे उसको बाहर निकलने की क्षमता मिलती है। तो ये पहला यंत्र था। धीरे धीरे मैं बहुत सारे यंत्रों के बारे में आप लोग को बताऊंगा ताकि आप लोग पूर्ण रूप से साधक बन पाए। आज के लिए इतना ही। अगला साधना शिविर शिवपुरी में 13-14 जुलाई को होना तय हुआ है। जिसको भी साधना शिविर में आना है वो
मेरे वेबसाइट पर जाए और इवेंट सेक्शन में क्लिक करके खुद को रजिस्टर कर सकता है। उसी महीने में, जुलाई के मंथ में, अंतिम महीने में वीर की भी साधना होगी, जिसमें आप अपना कंगन सिद्ध करके ले जाएंगे। 10 दिन का ये रेसिडेंशियल होगा। दोनों जो शिविर है वो रेसिडेंशियल हैं, तो आप लोग अगर आना चाहते हैं और जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग इस शिविर में आ सकते हैं। वेबसाइट पे डिटेल दिया हुआ है। इसके अलावा जिसको साधना का बेसिक जानकारी चाहिए, जिसको आसन बंधन, देह बंधन, दिशा बंधन, भैरव, ये सारे मंत्र नहीं आते हैं, जिनके पास गुरु नहीं है, वो साधना ग्रुप से जुड़े ताकि आपको जो इनिशियल साधना का जो विषय है वो समझ में आए। इसके अलावा जिनको भूत प्रेत में इंटरेस्ट है, वो मेरी किताब है हैंडबुक फॉर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर खरीद के पढ़ सकते हैं। अपॉइंटमेंट लेने के लिए www.aghortantrahasya.xyz पर जाइए वेबसाइट पर। डायरेक्ट बात करना है तो कॉल मी फॉर ऐप इंस्टॉल और डाउनलोड कीजिए, उसमें रुद्रनाथ सर्च करिए, आप मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। नवनाथों की कृपा आप पर बरसती रहे, ऐसी मेरी कामना है। आप सभी को आदेश आदेश अलख आदेश।